नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का खबर बिहार में। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। बिहार में एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम यानी AES मतलब चमकी बुखार से मौत का सिलसिला थम नहीं रहा है, लगातार जारी है। मुजफ्फरपुर में इंसेफेलाइटिस से अभी तक 35 से भी ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है, जबकि 81 बच्चों का इलाज चल रहा है। और इस बीच राहत की खबर ये आई है कि मुजफ्फरपुर और उसके आसपास के इलाके में मौसम ने करवट बदली है, जिसकी वजह से मंगलवार को मरीजों के आने का सिलसिला थोड़ा कम हो गया है। कल शाम से थी एक उल्टी हुआ था, एक पेट झरा था, एक चमकी बुखार हो गया। जारी है चमकी का कहर। अब तक 35 से ज्यादा बच्चों की हो चुकी है मौत, कईयों की जिंदगी बचाने की कोशिशें हैं जारी। मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार से बच्चों की मौत का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। 35 से ज्यादा बच्चों की मौत अभी तक हो चुकी है। जो परिजन अपने बच्चों को लेकर SKMCH पहुंचे हुए हैं, उनकी भी सांसें अटकी हैं। रो रोकर उनका बुरा हाल है। आंखें नम है, एक दहशत है, जो दहशत जो है साफ दिख रहा है कि बच्चा जीवन और मौत के बीच जूझ रहा है। भात सब्जी खाकर सोता था जी। आपका बच्चे को क्या थी? एक उल्टी हुआ था, एक पेट झरा था, एक चमकी बुखार हो गया था। आप काफी रो रहे हैं, क्या हुआ था? हमारा एक बच्ची। उधर लगातार बीमार बच्चों के आने की वजह से अस्पताल में ICU की जगह कम पड़ गई है। जिले के दो अस्पतालों में अभी तक 35 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। बच्चों के बीमारी को देखते हुए 4 ICU चालू किए गए हैं, फिर भी बेड कम पड़ रहे हैं। एक बेड पर 2 से 3 बच्चों का इलाज किया जा रहा है। इस बीच SKMCH से अच्छी खबर भी आई है। इलाज के लिए भर्ती कुछ बीमार बच्चे ठीक हो रहे हैं। कुछ बच्चों के इलाज के बाद PICU से सामान्य वार्ड में शिफ्ट किया गया है। स्थिति ये है कि सेकेंड फ्लोर पर PICU 1 और 2 दोनों फुल हो गया है। उसके बाद SKMCH के सुपरिटेंडेंट सुनील शाही के द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है, जिसमें ICU स्त्री रोग का जो था उसे और हड्डी रोग का जो ICU था उसे भी जो है PICU में कन्वर्ट किया गया है, और यहाँ भी बच्चों का इलाज चल रहा है। उधर बीती रात से जिले के मौसम में बदलाव हुआ है, इसी वजह से मंगलवार सुबह चमकी बुखार से पीड़ित बच्चों के आने का सिलसिला थोड़ा कम हुआ है। मौसम जो है सुहाना हुआ है। आपको मैं दिखाना चाहूँगा कि ठंडी हवा और देर रात से ही चल रही है, और स्थिति ये है कि आज मंगलवार के दिन सुबह से कोई छोटा बच्चा जो AES से पीड़ित है चमकी बुखार से वो नहीं आया है। हालांकि SKMCH के अधीक्षक बार बार लोगों से अपील कर रहे हैं कि वो अपने बच्चों को गर्मी से बचाएं, लगातार बच्चों को पानी पिलाते रहें, अगर बुखार आए तो तुरंत ही अस्पताल लेकर आए। ये एक जागरूकता होनी चाहिए जो हम धूप से बचें, बच्चों को बचावें, साथ में उनको पानी पिलाते रहें। फिलहाल मंगलवार का दिन थोड़ी राहत लेकर आया है, फिर भी अस्पताल में अभी भी 80 से ज्यादा बच्चों का इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स की टीम लगातार अलर्ट पर है। बीच तंग हकीकत यह है कि बरसों से चली आ रही है बीमारी का, अभी तक कोई इलाज नहीं है और न ही इसका कोई डायग्नोसिस हो पाया है। अरुण श्रीवास्तव, जी मीडिया, मुजफ्फरपुर। कुल मिलाकर मुजफ्फरपुर में चमकी बुखार ने कहर बरपा रखा है। अभी तक इस बीमारी की चपेट में आने से 35 से ज्यादा बच्चों की मौत हो चुकी है। जानकार कहते हैं कि अगर थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो बीमारी को ठीक भी किया जा सकता है और बीमारी से बचा भी जा सकता है। देखिए जरा। चमकी से बचने के लिए जागरूकता जरूरी, थोड़ी सी सावधानी और चमकी से बचिए। चमकी से डरे नहीं, तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। मुजफ्फरपुर में चमकी के कहर से लोग खौफ में हैं, डर में जी रहे हैं। बीमार बच्चे को लेकर जो अस्पताल में मौजूद हैं, अपने बच्चों को लेकर फिक्रमंद हैं। लेकिन जानकार मानते हैं
कि थोड़ी सी सावधानी बरतने से इस बीमारी से बचा जा सकता है। दो चीज बेसिक है, एक लाइफ सपोर्ट होता है और एक यदि टेम्परेचर बढ़ा हुआ है तो ठंडे पानी की पट्टी दें या फिर जो दवा है पैरासीटामोल वगैरह दे दिया जाए। जो बच्चे तुरंत आते हैं मेरे अस्पताल में वो तुरंत ठीक होकर चले भी जाते हैं। कल तो करीब 20% बच्चे भर्ती हुए हैं और अभी मॉर्निंग में करीब 15 एडमिट हो चुके हैं। कुल साहब मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि बच्चे को गर्मी से सिर्फ बचाएं, अभिभावक को मैं ये दिखाना चाहता हूँ। गर्मी बढ़ने की वजह से चमकी बुखार आता है, हर साल बच्चे इसकी चपेट में आते हैं और सारे बच्चे कमजोर वर्ग के होते हैं। अभी तक इस बुखार का वैज्ञानिक कारण पता नहीं चला है। सबसे ज्यादा 1 साल से 15 साल के बच्चों को होती है बीमारी। ये सारे बच्चे करीब करीब सभी बहुत ही कमजोर वर्ग से आते हैं। दूसरी चीज कि अभी तक कहीं भी वैज्ञानिक कारण इसका पता नहीं चला, काफी शोध हुआ। हीट एंड ह्यूमिडिटी बहुत ज्यादा हो गई है, टेम्परेचर मोर और लेस 39-40 डिग्री एंड ह्यूमिडिटी मोर देन 50% रह रही है, इसी में इसके बच्चे आक्रांत होकर आते हैं। परिजनों को इसके लक्षण को समझना भी चाहिए, या आम बुखार है या फिर चमकी। पीड़ित बच्चे के शरीर के किसी विशेष हिस्से में ऐठन होता है, तेज बुखार, दांत का बजना या कहिए दांत लगना, बच्चे का सुस्त या बेहोश हो जाना, शरीर में चींटी काटने पर भी कोई हरकत न होना। अगर ऐसे लक्षण हैं तो तुरंत ही नजदीक के किसी सरकारी अस्पताल में बच्चे को ले जाना चाहिए। वैसे चमकी बुखार से बचाव भी किया जा सकता है। सबसे जरूरी है कि बच्चों के खाने पीने पर ध्यान देना चाहिए। गर्मी बढ़ने के बाद बच्चों को हमेशा नींबू पानी ORS का घोल देते रहना चाहिए। रात में कभी भी खाली पेट नहीं सोने देना चाहिए। दिन में 2 बार बच्चों को जरूर नहलाएं, साथ ही बच्चों को धूप में जाने से बचाएं। जैसे ही बच्चे का व्यवहार थोड़ा भी अब नॉर्मल लगे, बुखार लगे या बच्चा खाने पीने में लगे कि कम हो गया, सुस्त लगे, तो इमीडिएट उसका इलाज करना चाहिए, उसको लेकर आप पास के प्राथमिक चिकित्सा केंद्र में पहुंचना चाहिए। बच्चे को गर्मी में ना खेलने दें, घर में ही रखें, दिन में 4-5 बार उसको नहलाएं और इलेक्ट्रोलाइट कंटेनिंग सॉल्यूशन उसको पिलाते रहें, जैसे नींबू पानी, नमक चीनी का शरबत पिलाएं, ORS पिलाएं। तो थोड़ी सी सावधानी अगर बरती जाए तो चमकी बुखार से बचा जा सकता है। इसके लिए लोग को जागरूक करना बेहद जरूरी है। धीरज ठाकुर, जी मीडिया, पटना। एक तरफ मुजफ्फरपुर में बच्चों की मौत हो रही है, वहीं दूसरी ओर इसे लेकर बेतुके बयान भी दिए जा रहे हैं। अब केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे को ही देख लीजिए, जिन्हें यह मामला गंभीर ही नहीं लगता। उनके मुताबिक जब जरूरत होगी तब केंद्रीय टीम को जायजा लेने के लिए भेजा जाएगा, यानी 35 से ज्यादा मौत हो जाने के बाद भी अगर मंत्री जी को जरूरत नहीं महसूस हो रही तो यह शर्म की बात है। वैसे अश्विनी चौबे कुछ भी बोले, लेकिन कुछ देर पहले ही यह खबर आई है कि 7 सदस्यीय केंद्रीय टीम पटना पहुंचने वाली है। हालांकि सीएम नीतीश कुमार भी इस मसले को लेकर काफी गंभीर हैं। स्वास्थ्य प्रधान सचिव स्थिति का जायजा लेने के लिए कल मुजफ्फरपुर जाएंगे। अभी ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुआ है, ऐसा हमारे यहाँ के पदाधिकारियों ने बताया। अगर जरूरत महसूस होगी तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। मुजफ्फरपुर में 35 से ज्यादा बच्चों की मौत हो जाती है, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य मंत्री का मानना है कि अभी मुजफ्फरपुर में केंद्रीय टीम की जरूरत नहीं है। तो फिर वही बताएं कि आखिर कितनी मौत के बाद केंद्रीय टीम की जरूरत पड़ती है। ऐसी दलील पर कोई भी सिर फोड़ ले, लेकिन दलील देने में सिर्फ केंद्रीय मंत्री ही नहीं, बिहार के मंत्री भी आगे। प्रमोद कुमार पहुंचे थे SKMCH में जायजा लेने, लेकिन वहां क्या बोल गए वो भी सुन लीजिए। मुझे आज अभी ऐसी कोई जरूरत महसूस नहीं हुआ है, ऐसा हमारे यहां के पदाधिकारियों ने बताया। अगर जरूरत महसूस होगी तो केंद्र सरकार पूरी तरह से सतर्क है। इसकी कोई जीवन की अंत है क्या? आपको मालूम है कितने साल आप और हम रहेंगे? है क्या आपको जानकारी? इसका मतलब है तो नहीं होता इसका मतलब का इसकी कारगुजारी हो कार्रवाई होनी चाहिए। इस कारगुजारी का कार्रवाई होनी चाहिए जो कार्रवाई हमारे डॉक्टर कर रहे हैं। जिस दलील, जिस कुतर्क को दोनों मंत्री गढ़ रहे हैं उसे कहीं से जायज नहीं ठहराया जा सकता। 35 बच्चों से ज्यादा की मौत हो चुकी है,
पर उन्हें ये मसला गंभीर नहीं लगता, तो फिर सवाल यही उठता है कि और कितनी मौतें होंगी कि ये मसला गंभीर बनेगा। और ऐसा नहीं कि इस मसले पर केंद्रीय मंत्री पहली बार बोल रहे हैं, कैमूर में जब थे तो उन्हें तो इसकी जानकारी तक नहीं थी। सरकार बनी थी उसी वक्त में हम लोगों ने यह बोलने का काम किए थे कि सरकार ऐसी सरकार बनी है जो बिहार से कोई मतलब नहीं है, जिसको यहाँ के गरीबों से कोई मतलब नहीं है, यहाँ के विकास से मतलब नहीं है। आज वह चीज़ साबित हो गया। भारत सरकार और बिहार सरकार हर मुद्दे पर बड़ा ही गंभीर होती है और उसको संजीदगी से लेते हुए उस पर तत्काल कार्रवाई करती है। यह अलग विषय है कि कभी कभी व्यस्तता की वजह से कुछ चीज़ें देर से पदाधिकारी लोग मंत्रियों को बता पाते हैं। हालांकि चमकी बुखार के कहर से राज्य के सीएम जरूर चिंतित हैं, वो इस मसले पर खुद नजर रखे हुए हैं। जो बच्चों को बीमारी हो रही है और कई लोगों को मृत्यु हुई है, बड़ा दुखद है, चिंताजनक लगता है ये सब। और ये बात कोई आज की नहीं है, ये पहले से चला रहा है। ऊपर हम लोगों ने काफी अध्ययन करवाया और मुजफ्फरपुर में जो बीमारी होती है इस मौसम यानी बरसात के पहले, तो उसके बारे में तीन राय। चमकी से हुई मौत को लेकर सीएम गंभीर है, जांच के लिए टीम लगाई गई, लेकिन उनके कैबिनेट के मंत्री और केंद्रीय मंत्री के बयान को देखकर तो यही लगता है कि उन पर बच्चों की मौत का कोई असर हुआ। वैसे बीजेपी के प्रवक्ता नवल किशोर यादव ने तो यहां तक कह दिया था कि क्या मंत्री आला लेकर जाएंगे। मुजफ्फरपुर से अरुण के साथ नवजीत, जी मीडिया, पटना। और अब बात करेंगे एक मर्डर मिस्ट्री की। पटना की पौश इलाके किदवईपुरी में तीन मौत की मिस्ट्री से सनसनी फैल गई। आज सुबह एक घर से पुलिस ने तीन शव बरामद किए। तीनों के शरीर पर गोली के निशान थे, जबकि एक बच्चा गोली लगने से गंभीर रूप से घायल रहा। पहले खबर यह आई कि मामला खुदकुशी का है, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये रहस्य गहराता चला गया कि खुदकुशी है या हत्या ये साफ नहीं हो सका है। हालांकि पुलिस भी अभी तक साफ नहीं कर पाई कि खुदकुशी है तो इसकी पीछे वजह क्या है, और हत्या है तो इसका मोटिव क्या है। हमारी जो अन्य जो टीमें हैं वो यहां पर अपना कार्य कर रही हैं। एक घर, तीन लाशें, हत्या या खुदकुशी, तीन लाशों का रहस्य। पटना के पौश इलाके किदवईपुरी के इसी मकान में तीन लाशें मिली। आशंका जताई जा रही है कि मामला खुदकुशी का हो सकता है। का जो सर्विस वेपन है, जो उनके पास लाइसेंसी वेपन था, उसका इसमें उपयोग हुआ है, और प्रथम दृष्टया यह मामला आत्महत्या का, और फिर आत्महत्या के पूर्व में अपने परिजनों को गोली मारने का है। लेकिन सवाल ये उठता है कि कारोबारी निशांत सर्राफ की खुदकुशी की वजह क्या हो सकती है। पारिवारिक विवाद को वजह बताया जा रहा है, लेकिन अभी कुछ दिन पहले ही तो विदेश से घूमकर पूरा परिवार लौटा था, तो फिर पारिवारिक विवाद का सवाल कमजोर नजर आता है। फिर और क्या वजह हो सकती है। एक और सवाल, चार गोलियां चली और किसी को इसकी भनक तक नहीं हुई, बड़ा सवाल है। निशांत को जानने वाले तो यही कह रहे हैं कि कोई पारिवारिक विवाद नहीं था, क्योंकि जिस रात की वारदात है उस रात को निशांत खेतान मार्केट से दुकान बंद करके खुशी खुशी घर के लिए निकला था। कल मेरी मुलाकात शाम को हुई थी उनसे, पर कोई ऐसा तनाव दिख नहीं रहा था मेरे साथ। अब क्या है क्या नहीं, ईश्वर मालिक है। लड़का बहुत सामाजिक था, इसमें कहीं दो मत नहीं है। पुलिस भी इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढ रही है। परिवार अभी यूरोप से छुट्टी बिताकर लौटा था, तो क्या वजह बन गई कि निशांत ने खुद को गोली मारने से पहले पत्नी और बेटी बेटे को गोली मार दी। हालांकि बेटे की हालत गंभीर है, अस्पताल में इलाज चल रहा है। घटनास्थल को अभी हम लोगों ने देखा है, और हमारी जो साइंटिफिक टीमें हैं वो भी आ गई हैं, फॉरेंसिक लेबोरेटरी की टीम, बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स, केमिकल एग्जामिनेशंस की टीम, और हमारी जो
अन्य जो टीमें हैं वो यहाँ पर अपना कार्य कर रही हैं। फिलहाल शिव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस को पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। फॉरेंसिक टीम भी जांच में जुटी है। पुलिस हर एंगल को खंगाल रही है ताकि इस मिस्ट्री का पर्दाफाश हो सके। संजय जी मीडिया पटना। आज हुई बिहार कैबिनेट की मीटिंग में 17 एजेंडों पर मोहर लगाई गई है। इसमें एक बड़ा फैसला ये लिया गया है कि सरकार ने बच्चों के लिए बुजुर्ग माता पिता की सेवा करना अनिवार्य कर दिया है। इसके मुताबिक अगर कोई बच्चा अपने माता पिता की सेवा नहीं करता है और माता पिता उसकी शिकायत कर दे तो बच्चे को जेल हो जाएगी और इस कानून पर आरोपी को बेल भी नहीं मिलेगी। इसके अलावा पुलवामा में शहीद हुए जवानों के आश्रितों को राज्य सरकार नौकरी देगी। इस बैठक में किसानों का भी ध्यान रखते हुए गुणवत्तापूर्ण बीज के लिए 76.56 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। सुपौल में हाइड्रो पावर का एक्सटेंशन और डागमरा जल विद्युत परियोजना के एक्सटेंशन के लिए 11.68 करोड़ की राशि को मंजूरी दी गई। सीएम नीतीश कुमार ने सोमवार को इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में 500 बेड वाले अस्पताल भवन का शिलान्यास किया। अस्पताल भवन के निर्माण में करीब 280 करोड़ रुपए खर्च हो सकते हैं। वहीं इस मौके पर सीएम के साथ डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी मौजूद रहे। स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक और कदम, IGIMS में 500 बेड वाले अस्पताल का शिलान्यास। 2500 बेड का अस्पताल बनाने का है टारगेट। हेल्थ सेक्टर में बिहार के लोगों को राज्य सरकार ने बड़ी सौगात दी है। पटना के IGIMS में सीएम ने 500 बेड वाले अस्पताल की बिल्डिंग का शिलान्यास किया। इस मौके पर डिप्टी सीएम समेत कई दिग्गज मौजूद रहे। दरअसल IGIMS को 2500 बेड के अस्पताल के तौर पर बनाने का लक्ष्य रखा गया है और इसे लेकर सीएम ने साफ कर दिया है कि पैसे की चिंता एकदम नहीं करनी है। वहीं डिप्टी सीएम ने भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार की कामयाबी की खूब तारीफ की। सबसे ज्यादा संख्या में मरीज लोग यहाँ पर आ रहे हैं, सबकी इच्छा होती है कि IGIMS में ट्रीटमेंट कराएं। तो वैसी स्थिति में हर प्रकार इन सब चीजों को ध्यान में रखकर जो भी IGIMS जिस बिल्डिंग का शिलान्यास किया गया है, 500 बेड वाले अस्पताल के निर्माण में 284 करोड़ रुपए की लागत आएगी। नई बिल्डिंग 6 मंजिल की होगी। करीब 64,570 वर्ग मीटर में इसका दायरा होगा और अगले 24 महीने में यह बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी। IGIMS में 500 बेड के अलावा 1200 बेड का दूसरा अस्पताल भी बनाया जाएगा। उसके लिए भी तैयारी शुरू कर दी गई, उसका भी शिलान्यास जल्द किया जाएगा। इस अस्पताल के निर्माण के बाद IGIMS कुल 2500 बेड का हो जाएगा। इसके अलावा IGIMS में अगले 2 महीने में 300 बेड की धर्मशाला तैयार कर ली जाएगी। और माननीय मुख्यमंत्री जी की ये कल्पना है कि इस अस्पताल को 2500 बेड का अस्पताल बनाया जाए और उस दिशा में आज हम एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ाने में सफल हुए हैं। तो इतना बड़ा संस्थान ये बन जाए और इसकी विश्वस्तता निश्चित रूप से इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान की विश्वस्तता कायम हो, इसके लिए हम सब लोग प्रयास कर रहे हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में बिहार को ये बड़ी सौगात मिली है क्योंकि IGIMS वो संस्थान है जहां बिहार के कोने कोने से
इलाज कराने के लिए मरीज पहुंचते हैं और बढ़ती तादाद को देखते हुए सरकार ने IGIMS को बढ़ाने का फैसला लिया है, जो हर किसी के लिए फायदेमंद साबित होगा। नवजीत जी मीडिया पटना। लालू प्रसाद यादव 71 साल के हो गए हैं। RJD कार्यकर्ताओं ने अपने नेता का जन्मदिन तो मनाया, लेकिन लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी और लोकसभा चुनाव में मिली हार जन्मदिन के जश्न पर भारी पड़ी। कार्यकर्ताओं की मायूसी इस मौके के उत्साह पर भारी पड़ी। RJD कार्यकर्ता लालू प्रसाद का 72वां जन्मदिन मना रहे हैं। दिल्ली, पटना और रांची से जन्मदिन मनाने की तस्वीरें सामने आई। एक तरफ जन्मदिन मनाने की खुशी, तो दूसरी तरफ लालू प्रसाद की गैर मौजूदगी का मला। दिल्ली में RJD सांसद मीसा भारती, मनोज झा और जयप्रकाश यादव ने केक काटा, तो पार्टी कार्यालय में शिवानंद तिवारी, रामचंद्र पूर्वे और अब्दुल बारी सिद्दीकी समेत कई नेता जन्मदिन मनाने पहुंचे। तेजस्वी यादव भी दिल्ली में ही हैं। हम इस वक्त राबड़ी निवास पे खड़े हैं और आपको हम बताना चाहेंगे कि आज लालू प्रसाद यादव, जो RJD सुप्रीमो है, उनका जन्मदिन है। तमाम कार्यकर्ताओं से आप भी गुलजार है आज, ये आप समझ सकते हैं। यह कार्यालय अक्सर ये कार्यालय बंद रहता है, लेकिन आज क्योंकि लालू यादव के जन्मदिन को मनाने के लिए तमाम दिग्गज नेता यहाँ पहुँचे हैं। लालू प्रसाद जी एक समाजवादी और संपूर्ण क्रांति आंदोलन की एक मिली जुली उपज है। आज उनके जन्मदिन पर हम लोग उनका जन्मदिन ही मना रहे हैं और मिस भी कर रहे हैं कि हमारे नेता, जो आज के दिन हर हमेशा कार्यकर्ताओं के बीच में रहते थे, सादगी से मनता था जन्मदिन, आज वो नहीं है। प्रार्थना करने का काम किया है और ये कामना किया भगवान से कि जल्द से जल्द हमारे बीच में आए। बहुत बहुत भाई बधाई है सबकी, जन्मदिन पर हम लोग बधाई एक दूसरे को देते हैं, हमारी ओर से बधाई गई है। पटना में तैयारी तो पूरी की गई, 72 पौंड का केक लाया गया, सजावट की गई, लेकिन ना तो पार्टी के दिग्गज जुटे और ना ही लालू के जन्मदिन वाली बात कहीं नजर आई। बाकी नेता तो खैर दिल्ली में थे, लेकिन तेज प्रताप पटना में रहने और कार्यक्रम तय होने के बावजूद नहीं आए। के बीच में लालू सर नहीं है, हम लोग बहुत उदास हैं। मैं भगवान से ही दुआ करूंगा कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी हमेशा स्वस्थ रहें,